भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा का रोड शो निकला। बीजेपी सरकार में मंत्री और स्थानीय विधायक कृष्णा गौर, वरिष्ठ बीजेपी नेता गिरीश शर्मा प्रचार रथ में सवार रहे। आलोक शर्मा ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। निजामुद्दीन कॉलोनी, राजीव नगर, अयोध्या बायपास के आसपास की कॉलोनियों में रहवासियों ने फूल माला पहनाकर आलोक शर्मा का स्वागत किया। कॉलोनी और मोहल्ले में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का भव्य स्वागत किया गया और जगह जगह आतिशबाजी की। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और वाहनों की रैली रोड शो में शामिल हुए। पूरा विधानसभा की यहाँ के विधायक है, जो मध्य प्रदेश शासक की मंत्री है कृष्णा गौर जी, उन्होंने निजामुद्दीन कॉलोनी में भी विकास के काम कराए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिरका फरस की राजनीति नहीं करती, सबका साथ सबका विकास, वो सबके विश्वास को लेकर काम करती है। और वो विश्वास का कारण है कि आज मुस्लिम बस्तियों में भी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का स्वागत कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर इस बार जो भोपाल में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 35 साल से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताकर लोकसभा में पहुंचा रही है। मैं भोपाल का बेटा हूँ, भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया है, भोपाल की जनता जनार्दन इस बार मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी, तो मैं भोपाल का समग्र विकास करूँ। क्या मोदी जी भी आने वाले हैं तो क्या लग रहा रिकॉर्ड टूटेंगे सारे पिछले बार के? देखिए 24 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजा भोज की नगरी में आ रहे हैं, रानी कमलापति की नगरी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्वागत की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। गोविंदपुरा के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजा भोज की नगरी में आ रहे हैं, उनका पलक पावड़े बिछाकर हम स्वागत करेंगे।